हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्लैक्स टेक्निका चैनल पर स्वागत है। हम आपको बताएंगे, अगर आपको बैनर लगाना यूट्यूब पर नहीं आता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूट्यूब पर बैनर कैसे लगाएं। इस वीडियो को आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। इस वीडियो को करते हैं शुरू। इस वीडियो को पहले आपको कुछ नहीं करना, पहले अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में जाना होगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, ये जो यूट्यूब में बैनर लगाए हैं, उसे कैसे लगाएं। मैं आपको इस वीडियो में फुल जानकारी आपको दूंगा। देखिए, मैं आपको यहाँ सर्च करके दिखा रहा हूँ मनोज डे का। देखिए, आपके फ़ोन में इस तरह का इंटरफेस आ जाए। देखिए, मनोज डे ने अपने यूट्यूब पर बैनर लगाए हुए। मैं आपको बताऊंगा कि इसी तरह आप बैनर लगा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप देखिए, देख लीजिए जन्नू के टेक चैनल को। मैं जन्नू के टेक पर क्लिक चैनल को सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद देखिए, ये भी चैनल में अपने बैनर लगाए। मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर बैनर कैसे लगाएं। आप इस वीडियो पर बने रहें। मैं अपने चैनल में जाने के बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, इस चैनल में आपको बैनर लगा के आपको दिखाऊंगा। देखिए, मेरे ये चैनल में आपको बैनर लगा कर दिखाऊंगा। आप इस वीडियो बन रहे, आपको क्लिक कर देने। क्लिक करने के बाद देखिए, आपके फ़ोन में इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ये पेंसिंग आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बैनर लगाना होगा। ये जो आपके फ़ोन में दिख रहा है, यहाँ आपको यहाँ बैनर आपको लगाना होगा। लगाने के बाद आपको इस वीडियो में फुल वॉच करना होगा। मैं अपने क्रोम पर जाता हूँ। क्रोम में जाने के बाद यहाँ आपका इम्पोर्टेड आ चुका। आपको सिर्फ सर्च कर देना होगा यूट्यूब डैशबोर्ड। आपको वैसा ही सर्च कर देना होगा जैसे मैं आप इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, कि इस तरह आपको सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद आपके फ़ोन में एक YouTube डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली वहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आ जाने के बाद यहाँ आपको जूम कर लेना होगा। मैं जूम करने के बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। अपना जो जिस आप चैनल जिस आप चैनल बनाए हुए हैं ऐड अकाउंट बना हुआ, आपको वहाँ पर सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके फ़ोन में एक आइकन देखने के लिए मिलेगा, एक छोटा सा आइकन देखने के लिए पेंसिंग का। आपको सिंपली वहां पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आ जाने के बाद आपको एक ब्रांडिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर आपको बैनर लगा के आपको दिखाऊंगा कि बैनर लगेगा या नहीं लगेगा। मैं इस वीडियो में रियलिटी बता रहा हूँ कि बैनर आपके फ़ोन में लग जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका बैनर लग जाएगा। मैं अपना बैनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप भी सिलेक्ट कर लीजिए इसी तरह। अगर आपको बैनर लगाना नहीं आता है या आपको बनाना नहीं आता है, आप कमेंट में कह सकते हैं कि आपको बैनर लगाना। अब मैं ये बैनर आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पिक्सल लैब से पहले से ही बैनर बनाए हुआ हूँ। अगर आप चाहिए इस तरह के बैनर तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ बैनर आप सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कुछ प्रोसेस होगा। मैं प्रोसेस करने के बाद आपको एक आइकन देखने के लिए मिलेगा,
डन का ऑप्शन। आपको सिंपली वहां पर आपको एक हरा सा आइकन देखने के लिए मिलेगा डन, आपको सिंपली डन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में देखिए मेरा बैनर लग चुका है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको इसे कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। आपके फ़ोन में ये इंटरफेस आ जाएगा, मेरा क्रोम बैक हो चुका है, आपके फ़ोन में इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सिर्फ पब्लिश कर लेना होगा, मैं पब्लिश कर लेता हूँ। पब्लिश करने के बाद आपको सिर्फ अपने यूट्यूब में आ जाना होगा। कुछ देर के बाद आपका बैनर लग जाएगा, कोई यूट्यूब चैनल पर जाना होगा। यूट्यूब चैनल में जाने के बाद आपके फ़ोन में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपका चैनल। देखिए मेरा चैनल में लग चुका है, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अगले वीडियो मिलेंगे।